iOS 16.6 अपडेट एंड 16.5.1 अपडेट दोनों में से कौन सा अपडेट पहले आएगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों इतना डिले हो गया हमारा 16.6 अपडेट, 16.5.1 अपडेट भी हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ क्यों हमारे 16.6 या फिर 16.5.1 का अपडेट इतना डिले हो गया, प्लस यहाँ पे एक एक्यूरेट डेट देखने को मिल जाती है। इस दिन आपको डेफिनेटली ये अपडेट्स आपके आईफोन्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो हमारा अभी के टाइम करंटली जो हम आईफोन में वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी इशू क्रिएट कर रहा है बैटरी ड्रेन को लेकर, प्लस नेटवर्क या फिर और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे 16.6 की डेवलपर बीटा 3 के बारे में। तो ये अपडेट जो आपको आज के दिन देखने को मिला है अपने आईफोन्स के ऊपर, अब बताना चाहूँगा दोस्तों जो भाई लोग यहाँ पे बीटा अपडेट्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइक 16.6 की डेवलपर बीटा 2 भी आई थी, डेवलपर बीटा 1 भी आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाई लोग यहाँ पे इस अपडेट को यूज़ कर रहे थे पहले से ही 16.6 की डेवलपर बीटा 2 या फिर पब्लिक बीटा 2 को, तो वहाँ पे जो इसके अपडेट्स में जो फीचर्स थे वो सेम टू सेम ही देखने को मिले हैं। लाइक अगर आप जो 16.6 में डेवलपर बीटा 2 में यूज़ कर रहे थे वही आपको 3 में भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एंड आपको पता है जो बीटा अपडेट्स हैं वो कोई खास चेंजेस लेकर नहीं आते हैं, मेन होते हैं आरसी अपडेट एंड स्टेबल। तो अब देखो यहाँ पे जो भाई लोग इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अप टू डेट कर लेना, बट इसमें कोई आपको खास चेंजेस नहीं मिलेंगे। बट सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या हमें यहाँ पे 16.5.1 का अपडेट भी मिलना चाहिए या फिर नहीं? तो यहाँ पे मिलेगा, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो ये जो अपडेट लोग कर रहे हैं यहाँ पे अभी जो बिल्ड नंबर है वहाँ पे एक जो है लास्ट में डिजिट देखने को मिला है बिल्ड नंबर में जो कि है डी, सो इट मीन्स यहाँ पे अभी आपको एक डेवलपर बीटा 4 भी देखने को मिलेगी। 16.6 की बीटा 4 भी अभी आनी है। अब आपको कि भाई इतने सारे बीटा अपडेट्स आएंगे तो हमें स्टेबल अपडेट्स कब मिलेंगे? एंड अब आप थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लो जो मैं आपको डेट्स एंड अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट आपको इसका बीटा 4 भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज के दिन हमें यहाँ पे इसका बीटा 3 देखने को मिला है, तो बीटा 4 आपको जो है नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे 16.5.1 अपडेट, तो वो अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा, वो है आपको 19 जून। जी हाँ दोस्तों, अब देखो ये अपडेट आपको तभी देखने को मिलेगा यदि 19 जून को ये आ जाता है तो ही, अदरवाइज ही आपको डायरेक्टली मिलेगा इसका 16.6 का स्टेबल अपडेट। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बताता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से अपडेट कब आएंगे। देखो तो फर्स्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बीटा 4 है आपको नेक्स्ट वीक मिलने वाली है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको मिलेगा इसका आरसी अपडेट 16.6 का, देन आपको मिलेगा स्टेबल अपडेट। अब देखो एक चीज़ क्लियर कर लो कि आपको जो बीटा 4 आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, एंड उससे पहले 19 जून, ठीक है, यही 19 जून को जो है आपको हो सकता है कि 16.5.1 का अपडेट भी आपके आईफोन्स के ऊपर देखने को मिल जाए। ठीक है, दो हो गई। थर्ड है कि आपको इसका आरसी अपडेट मिलेगा, ठीक है, एंड आरसी अपडेट के बाद आपको देखने को मिलेगा स्टेबल अपडेट ऑफ 16.6। तो आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट वीक 16.6 बीटा 4 मिल गई, 19 जून को आपको हो सकता है कि यहाँ पे 16.5.1 का अपडेट मिल जाए स्टेबल, देन आपको इसका जो है डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा 16.6 का आरसी अपडेट, एंड वो जो है आपको देखने को मिलेगा 3 जुलाई। जी हाँ, तो आपको 3 जुलाई को जो है 16.6 का आरसी अपडेट मिलेगा, एंड आपको पता है कि आरसी अपडेट के विद इन 1 और 2 डेज के बाद आपको देखने को मिल जाता है स्टेबल अपडेट। आरसी एंड स्टेबल अपडेट दोनों सेम ही होते हैं, आरसी को जस्ट पहले ला दिया जाता है जस्ट फॉर लिटिल बिट इंक्वायरी एंड चेकिंग के लिए, देन आपको इमीडिएटली स्टेबल अपडेट रोल आउट किया जाता है आपके आईफोन्स के ऊपर, एंड देन आपको देखने को मिलेगा 16.6 का स्टेबल अपडेट जो कि आपको मैक्स टू मैक्स 6 to 8 जुलाई। जी हाँ, तो आपको इसी के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा अपना स्टेबल अपडेट ऑफ 16.6, ठीक है। एंड अब ये देखना है दोस्तों आपको 16.5.1 का अपडेट 19 को देखने को मिलता है फिर नहीं, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं मिला तो आपको डायरेक्टली 16.6 का स्टेबल वर्जन ही देखने को मिलेगा। अब देखना है क्या पता इसमें कुछ मेजर चेंजेस कर दिए जाएँ तो आपको यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस के साथ 16.5.1 का अपडेट देखने को मिल जाए, अदरवाइज आप रेडी रहो 16.6 का स्टेबल अपडेट पाने के लिए। तो होप गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।